उपमंडल के बने दी हट्टी में हुए अग्निकांड में पुलिस ने मृतक बच्चों के माता पिता रमेश चंद की शिकायत के आधार पर जमीन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। रमेश दास ने आरोप लगाया है कि जमीन मालिक ने उन्हें बिजली के कनेक्शन तो उपलब्ध करवा दिए थे, मगर उनकी झोपड़ियों में वायरिंग नहीं की गई थी। उसने बिजली के कनेक्शन को ही इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने बच्चों का पोस्टमार्टम कराने के बाद शिवबाड़ी के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। विवेक महाजन ने शुक्रवार को बताया कि प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को 25,000 रूपए प्रति मृतक के हिसाब से 1,00,000 रूपए तक की राहत राशि प्रदान करी है। इसके साथ साथ ही मामले की जांच के लिए तहसीलदार प्रेम धीमान को तैनात कर दिया गया है। बताते चले कि बुधवार रात को हुए इस हादसे में दो परिवारों का भविष्य ही अंधेरे में डूब गया है। हादसे में यहां रमेश दास के तीनों बच्चे जिंदा जल गए, वहीं उनकी बहन का इकलौता बेटा भी इस हादसे का शिकार हुआ है। दिनांक 8 फरवरी 2023 को बुधवार के दिन रात को अराउंड 11 बजे के आसपास एक बहुत ही दर्दनाक जो हादसा है वो अंब में बनेर दी हड्डी में हुआ। और इस घटना में चार बच्चे जो कि नाबालिग थे उनकी आग से चलने से जो है उनकी मौत हो गई। और इस घटना की जैसे ही सूचना मिली तो तुरंत मैं और मेरे साथ रेवेन्यू की टीम जिसमें कि तहसीलदार साहब पटवारी हम सब घटना पे पहुंचे। घटना स्थल पे एमएलए श्री चैतन्य भी वहां पे मौजूद थे और तुरंत जो है जो वांछित कार्यवाही थी वो घटना स्थल पर की गई और एफर्ट्स करने के बाद जो है आग पे काबू पाया गया। लेकिन वो जो चार बहुमूल्य जो जाने थे उनको नहीं बचाया जा सका। ये चार लोग जो थे वो झुग्गी में रहने वाले जो हमारे मजदूर लोग थे उनके बच्चे थे। उनमें से एक तीन बच्चे जो थे वो एक ही फैमिली के थे और वो एक 17 साल की लड़की थी और दो 6 साल और 7 साल के लड़के थे और एक और बच्चा था, एक और थे बाल, उनकी वो 17 साल के थे और ये चारों दरभंगा से थे। तो इन्हें इंटरिम रिलीफ जो है वो 1,00,000 रुपया 25,000 पर हेड के हिसाब से जो है वो दे दिया गया है और पोस्टमार्टम करवा दिया गया और उसके बाद इनका जो है अंतिम दाह भी जो है वो कर दिया गया है। और इस मामले में एफआईआर भी जो है वो लॉन्च हो चुकी है। सर, तो पहले सुबह 40,000 दिया था, 60,000 बाद में दिया गया। हाँ जी, 40 एक बार दिया और 60 एक बार, टोटल 1,00,000 रुपया जो है वो दे दिया। तो सर, इसमें मामला किसके खिलाफ दर्ज हुआ है? इसमें जहां तक हमने पता किया है तो इसमें मामला जो है जो जमीन का मालिक है जिसके यहां पे झुग्गियां लगी हुई थी श्री कुलदीप कुमार, उसके खिलाफ जो है वो दायर की गई है। सर, इसमें जांच के लिए कोई कमेटी वगैरह भी गठित की गई है? इसमें प्राइमा फेस ही घटना के इंक्वायरी के आदेश जो है वो तहसीलदार साहब को दे दिए गए। ठीक है सर, थैंक यू। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए अंब से परीक्षित सेकड़ी की रिपोर्ट।